सन 1704 ये वो समय था जब मुगलों के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। जो भी अपना धर्म परिवर्तन करने से मना करता उसका सर कलम कर दिया जाता। ऐसे में एंट्री हुई गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन मुगल गुरु गोविंद सिंह को कभी हरा नहीं पाए। लेकिन एक बार जब गुरु जी अपने 40 सिखों के साथ चमकौर में एक कच्ची हवेली में रुके हुए थे, तभी उन्हें 10 लाख की मुगल फौज ने चारों ओर से घेर लिया था और गुरु जी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन गुरु जी को यह मंजूर नहीं था, इसलिए गुरु जी अपने 40 सिखों को लेकर मुगलों पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध इतना खौफनाक था कि 40 सिखों ने लाखों की मुगल फौज को गाजर मूली की तरह काट दिया। 9 जून 1716 ये वो दिन था जब बंदा सिंह बहादुर की मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले बंदा सिंह बहादुर को अच्छे कपड़े पहना कर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के चारों ओर घुमाया गया, जहां उन्हें दरगाह के सामने झुकने को कहा गया। पर बंदा सिंह बहादुर को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। कोतवाल ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हो, इस्लाम कबूल कर लो। बंदा सिंह बहादुर का एक ही जवाब था, मौत। कोतवाल को सूझी तो वो बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने ले आया। बेटे की गर्दन पर तलवार रख कर बंदा सिंह से फिर वही सवाल पूछा गया, इस्लाम कबूल कर लो। बंदा सिंह बहादुर की गर्दन अभी इनकार में पूरी घूमी भी नहीं थी कि जल्लाद ने अजय सिंह का सर कलम कर दिया। इसके बाद उसने सौ से बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। बंदा सिंह बहादुर तब भी नहीं हिले। इसके बाद जल्लाद ने खंजर से उनकी दोनों आंखों को फोड़ डाले, गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा गया और अंत में उनके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया गया। दोस्तों, आज चैनल को सब्सक्राइब मत करना चलेगा, लेकिन हमारे लिए इतना दर्द सहने वाले बंदा सिंह बहादुर के लिए एक कमेंट जरूर करें।